आज 13 जनवरी 2019 है। आप ये देख रहे हैं, ये सब ये निहारिका शर्मा हैं, सुमन माँ हैं, जिन लोगों से और जो लोग जुड़े हैं, लेकिन यह है कि सब जो भी आता है राष्ट्रीय, देखिए बंदरों के लिए जो बंदर खाता है वही मैं खाता हूँ, ये मैंने अपने लिए छांट लिए हैं इसमें से। अब ये कल खाएंगे, आज तो शाम हो गया है, अब ये अभी जाएंगे गाड़ी में रखेंगे तो ये अनवरत चलता रहेगा। फल वाले का भी भला होता है, अभी सब दबे हैं, छोटे हैं, इनको कौन देगा, और सब सही हैं, कोई ख़राब नहीं है। अरे हम भी तो खाएंगे इसको, तो जो हम खाएंगे वो बंदर खाएगा, जो बंदर खाएगा वो हम खाएंगे। तो हमारा यही लोगों से कहना है कि बंदर भोज का एक बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ी क्रिया है, हजारों लोगों को फायदा हुआ है। आप लोग भी जाके फल वालों से थोक में ले लिया करें और ले करके आप बंदर भोज करके देखें, लेकिन बंदर भोज करने वालों आपका मन सही होना चाहिए। मन में कुछ है, मुंह में कुछ है, आप किसी को सता रहे हैं वगैरह वगैरह, अगर आपके अंदर मानवता नहीं है तो 7 जन्मों तक आपको कोई भी देवता नहीं मिलेगा। इसको नोट करके घर में टांग लीजिए, क्योंकि हमारे पूरे जीवन भर का ये अनुभव है। जय श्री राम, जय श्री राम। आज सिख लोगों का कुछ है लोहड़ी है, लोहड़ी। अच्छा, तो आज हम सिख समाज को हम उनको बधाई देते हैं, और क्या नाम, प्रत्येक हिंदू जो है इनका ऋणी हो रहेगा, और विश्व शिरोमणि पंजाब हमेशा विश्व शिरोमणि ही बना रहेगा। बस आप लोग लंगर में केवल मोहताजों को खाना दिया करें, जिनके हाथ पैर सलामत हैं उनको खाना मत दीजिए। अरे कोई पागल हो वो दे दे, लेकिन सारे आम मत बाटिए, वो दारू लगा लगा कर लंगर खा रहे हैं, वो क्या फायदा, इससे गांव चले जाइए, इनको दीजिए। जिनको आप बंदर कहते हैं ये आज भी भगवान के लिए सही काम कर रहे हैं। हम लोग कहने को मनुष्य हैं, मनुष्य हैं कहाँ हम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री।